गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी लेके आई हूँ, आपको देख के पता चली क्या हुआ कि मैं आप सभी के लिए कौन सा मेकअप लुक लेके आई हूँ। यू नो मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ लेकिन कोई बात नहीं, और मैं बहुत ज्यादा लंबा ब्रेक लेके आई हूँ। मैं कम से कम एक हफ्ते तक मैं वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि बिल्कुल ही मन नहीं था गाइस वीडियो शूट करने का, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी आप सभी के लिए, उसके लिए सॉरी। तो आज का मेरा जो मेकअप लुक है गाइस वैलेंटाइंस डे के लिए है। अगर आप चाहो तो इस मेकअप लुक को एक छोटा सा बिंदी एंड ऑल ओवर थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह चेंज करके आप इस मेकअप लुक को दूसरे ड्रेसेस के साथ आप यूज कर सकते हो, मतलब कैरी कर सकते हो इस मेकअप लुक को। तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज बिग थम्स अप देना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा। ना करते हैं, देख लेते हैं मैंने इस मेकअप लुक को कैसे क्रिएट किया। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. स्किन केयर रूटीन तो कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे पहले हम मेकअप में स्टार्ट करेंगे प्राइमर। तो प्राइमर लगाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ये है एनवाई बे का सिलिकॉन बेस प्राइमर। ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है और देखते हैं अभी इस पे निकलता है कि नहीं, क्योंकि मुझे यही वाला प्राइमर आज यूज करना ही है क्योंकि ये खत्म भी हो जाएगा। तो ओह माय गॉड देख रहे हैं आप, तो हम इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अगर आप टीनेजर हैं तो ये वाला आपको अफोर्डेबल प्राइस का प्राइमर मिल जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया, ये एनवाई बे का प्राइमर है और ये आपको अंडर 200 या 150 के आसपास ही मिल जाएगा। और कभी भी आपको प्राइमर को रफ नहीं करना है, आपको बस ओपन पोर्स पे अप्लाई करना है, देन हो गया। आपको रफ बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पुश करना है, बिल्कुल भी रफ नहीं करना है, आपको पुश करना है। तो अपने टी जोन एरिया से होते हुए जहां जहां आपको पोर्स का प्रॉब्लम लगे ना गाइस, वहां वहां आप इसे अप्लाई कर लीजिए, देन हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी ये है यहाँ पर मैं यूज करूंगी ग्लैम 21 का ऑयल कंट्रोल हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। और इसका क्वांटिटी है क्वांटिटी तो नहीं मालूम लेकिन इसका रेट 200 के आसपास है, अफोर्डेबल भी है और मीडियम टू हाई कवरेज है। तो हम थोड़ा सा इसको सेक कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसे लेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा लेंगे क्योंकि बहुत जल्दी फेस पे अप्लाई हो जाता है, तो हम थोड़ा सा अमाउंट लेंगे, उसके बाद अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर पूरे फाउंडेशन लेके बैठी हूँ क्योंकि कंफ्यूज थी, कोई भी वो नहीं था कि कैसा मेकअप लुक रहेगा क्या रहेगा, कोई भी आइडिया नहीं है, बस मैं ऐसे ही मुठाई फेस वॉश की। ओ माई गॉड ये क्या हुआ, आज गड़बड़ हो रहा है ड्रेस पे, कभी ये लग रहा है तो कभी वो लग रहा है गाइज। तो सबसे पहले हम इसे ही ब्लेंड कर लेंगे वरना ये पूरे ड्रेस पे लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, आपको पुश करना है। तो हो गया, तो आप अच्छे से अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप इसे प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद आप इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है आपको, वाटर में इसे डिप करके एक्स्ट्रा वाटर निकाल दीजिए, उसके बाद आप इसे यूज कीजिए, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। कोई कोई ऐसा ब्यूटी ब्लेंडर होता है जो पूरा आपका जो फाउंडेशन है वो खा जाता है, आपको वाइट वाइट लग रहा होगा लेकिन मैं उसे मैनेज कर लूंगी। तो हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, तो ब्लेंड कर लेते हैं गाइज अच्छे से पहले इसको, उसके बाद हम बातें करेंगे। गाइज मेरा जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है
और मेरा जो इसमें सेड नंबर है वो 02 है। नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कंसीलर, तो कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी पर्पल का कंसीलर पैरेट और इसका सेड नंबर है 01। तो हम यहाँ से पिक करेंगे कंसीलर कलर और इसे अपने अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, अंडर एरिया, डार्क स्पॉट वगैरह वगैरह वॉट एवर। तो हम इसे अच्छे से इसे अप्लाई कर लेंगे गाइस अपने डार्क सर्कल पे। अगर आपको डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है तो ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो हम इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, ये बहुत ही अच्छा है गाइस। ये येलो टोन में है थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हैवी मेकअप लुक अगर आप करते हैं ना तो ये आपके लिए मस्ट है। अगर आप हैवी मेकअप लुक करते हैं तो ये बहुत बढ़िया, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। और इसका रेट भी उतना ज्यादा नहीं है, रेट भी बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। इसका रेट आई थिंक होगा 400 के आसपास। और इसमें आपको सब कलर मिल जाएंगे, ग्रीन, ऑरेंज और भी बहुत सारे कलर, लेवेंडर कलर और एक कॉन्टोर कलर और एक रेड कलर है। तो आपको कंसीलर जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं ना, वो सब आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएगा। तो हम इसे अपने डार्क स्पॉट पे और बस हो गया फिनिश। तो हम इतना ही अप्लाई करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं अप्लाई करेंगे। तो अब हम इसे, मैं आपको एक बार इसका दिखा देती हूँ कि कौन कौन से कलर है। यहाँ पे ग्रीन और ये है रेडी सा कलर, ये है ब्राउनी सा कलर, ये कॉन्टोर कलर और ये ग्रीन कलर, यहाँ पर ये है पर्पल कलर यानी कि लेवेंडर कलर, नेक्स्ट यहाँ पर मेरा मोस्ट फेवरेट कंसीलर कलर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे, बहुत इजिली ब्लेंड हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसे पुश करेंगे, उसके बाद हम इसे अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग पे ज्यादा ध्यान देना है और आप एकदम नहीं, क्योंकि जब मैं पहले स्टार्टिंग में वीडियो बनाती थी ना गाइज, मैं हर चीज को इतना ज्यादा ब्लेंड कर लेती थी ना कि वो स्किन पे लगता ही नहीं था कि मतलब मैं मेकअप की हूं। तो धीरे 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 ऑब्वियसली यार, धीरे धीरे करके हमको आइडिया हो जाता है कि हमें कैसा मेकअप करना है। तो धीरे 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 करके मेरे को समझ में आया कि हमें एकदम ज्यादा ब्लेंड नहीं करना है, बस ऐसे ही हल्का सा ब्लेंड करना है। ऐसा नहीं कि आपको ब्लेंड ही नहीं करना है, ब्लेंड करना है लेकिन एकदम ज्यादा नहीं, आपको रगड़ना नहीं है। पहले वैसे ही होता था मेरे साथ। तो देखिए बहुत अच्छे से कंसीलर जो है काम किया हमारे स्किन पे। इसको सेट करेंगे तो फिर थोड़ा सा अच्छे से, जो है थोड़ी देर के बाद वैसे भी हमारा स्किन एकदम अलग दिखता है। स्टार्टिंग में जब हम फाउंडेशन वगैरह कुछ भी अप्लाई करते हैं ना गाइस, तो थोड़ा सा ओवर दिखता है। मेकअप कंप्लीट होने के बाद सब चीज एकदम नॉर्मल हो जाता है। वैसे मैं मिरर में जब देख रही हूँ तो उतना ज्यादा केकी पैची कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे से यूज करेंगे तो केकी पैची कुछ भी नहीं लग रहा, ग्लोई सा लग रहा है। तो बहुत ज्यादा बढ़िया है गाइस, ये कंसीलर तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये हो गया हमारा कंसीलर सेट। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर और अपने पूरे फेस को, क्योंकि सेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नो, हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टे क्वर्की का लूज पाउडर सेट नंबर 04। तो ये ना गाइज, इसके बारे में क्या बताऊं, ये मेरा बाबू खराब कर चुका है इसका जो मतलब लगाने वाला है डायरेक्ट फेस पे, तो इसको ना थोड़ा सा बस बचा है। तो हम इसको यूज करेंगे अपने अपने आईलिड के लिए। तो आईलिड पर हम इसे यूज करेंगे थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा इसको लूंगी और पूरे फेस पे तो अप्लाई नहीं करूंगी, बस अपने इसको बेक कर लूंगी ताकि थोड़ा सा भी क्रीज लाइन ना पड़े और जो हमारा आई मेकअप लुक है वो बहुत ही सुंदर लगे। तो हम इसको अच्छे से अपने पूरे आईलिड को वो कर लेंगे, बेकिंग कर लेंगे। ये येलो टोन में और बहुत सुंदर लगता है इसकी। तो अब हम अपने पूरे फेस को सेट करेंगे ये फेसेस कैनेडा का सिया बटर कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो हम इसे हल्का सा लेंगे और अपने पूरे फेस को बेक कर लेंगे, सेट कर लेंगे। गाइस आज मेरा, मुझे ना वॉइस ओवर करने का बिल्कुल मन नहीं करता है क्योंकि मेरा जो बाबू है ना वो उठ जाता है, इसलिए ना मैं सोची आज थोड़ा सा
टॉकिंग करते करते काम करते हैं, तो हम कर चुके हैं अपना ये बेकिंग वाला काम, तो अब हम करेंगे हल्का सा लगाना रहता है गाइस, आपको ज्यादा बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो ये रहा हमारा बेक हो चुका है, अब बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा जो स्किन है, माय गॉड रियल में तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगा कि हाथ पे ना आ जाए इसलिए मैं अपना हैंड देख रही थी कि हैंड पे तो नहीं आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब फ्रेंड्स अब हम अपने पूरे बेस को सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी वेट एंड वाइल्ड का ये सेटिंग स्प्रे। तो हम इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे और यू नो ये एक ही जगह पता नहीं क्यों जा रहा है, पूरा फेस खराब हो जाएगा। और हम सबसे पहले अपना आई मेकअप लुक कंप्लीट करेंगे। तो आई मेकअप लुक के लिए सबसे पहले हम ये वाला ब्रश लेंगे और ये वाला ब्रश लेके हम ये है हेटेड विथ लव आई शेडो पैलेट, इसमें से हम पिक करेंगे एक सिंपल सा कलर, ये वाला कलर आपको आई होप दिख रहा होगा। तो ये वाला कलर हम पिक करेंगे, एकदम लाइट कॉम्पैक्ट टाइप का ब्रश है और इसे अपने क्रीज एरिया पर अप्लाई कर देंगे। और कभी भी आप क्या बोलेंगे इसको, हाँ कभी भी आप आई शेडो यूज करें तो आप एकदम हल्का हल्का लेके उसे हल्का सा डस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप अपने आई पर अप्लाई कीजिए। तो ये रहा हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, हाँ मैं कभी भी मेकअप करती हूँ तो मैं बहुत मतलब कोशिश करती हूँ मैं कम से कम ब्रशेस यूज कर सकूं, मैं बहुत ही कम ब्रश यूज करती हूँ गाइस क्योंकि उसको वॉश करना बहुत बड़ा चक्कर वाला काम रहता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे हल्का सा ब्राउनी सा कलर, तो ये वाला कलर ले लेंगे हम ये वाला और इसको डस्ट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद अपने क्रीज लाइन के नीचे नीचे हम इसको अप्लाई करेंगे और इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ऐसे आपको हल्का सा करना है। सेम ब्रश मैंने यूज किया है और एक्स्ट्रा ब्रश मैं यूज नहीं कर रही हूं। तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट हो गया, हाँ तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरे आई पर भी हम सेम ही ऐसे कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, ये वाला जो इधर से हम यूज किए हैं ना, हाँ यहां से हम यूज करेंगे ना किए हैं ना, अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करके ये वाला कलर हम पिक करेंगे, थोड़ा सा ये गोल्ड कलर है, गोल्डन सा कलर है, इसे डस्ट करेंगे और अपने क्रीज लाइन के नीचे नीचे पूरे लेड पर अप्लाई कर लेंगे। बहुत इजी है, क्विक है। पेंसिल ब्रश लेके हम ऑरेंज सा कलर लेंगे, थोड़ा सा हल्का रेडिश सा कलर लेंगे, तो ये वाला कलर हम पिक करेंगे और हल्का सा इसे डस्ट करेंगे। तो ये हमारा पेंसिल ब्रश है, उसे क्रीज लाइन से होते होते आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ये देखिए हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे सिर्फ अपने क्रीज लाइन पर। देखिए पेंसिल ब्रश कितना ज्यादा काम करता है। तो सेम हम दोबारा डिप नहीं करेंगे इसे कलर पर, सेम हम अपने क्रीज लाइन पर दूसरे। अब हम क्या करेंगे, इसे ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेंगे और हल्का सा ही लेना है आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसे अपने सिर्फ आउटर वी पर अप्लाई कीजिए कुछ इस तरह से, अंदर की तरफ मत ले जाइएगा, सिर्फ आप अपने आउटर वी पर अप्लाई करेंगे। तो यहां तक हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। सेम प्रोसेस हम अपने दूसरे आई पर भी कर लेंगे। तो लाइनर के लिए मैं यहां पर यूज करूंगी ये है कलर्स क्वीन, है ना, कलर्स क्वीन का आई बोस्टर 2-in-1 लेस बोस्टिंग आई लाइनर प्लस सीरम। तो हम इसे अपने लाइनर अप्लाई करेंगे, पहले हम लाइनर अप्लाई कर लेते हैं फिर देन देखते हैं हम क्या अप्लाई करेंगे। तो अभी हम अच्छा लग रहा होगा ना गाइज, यू नो अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। उफ
कोई बात नहीं। तो हमारा लाइनर कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेम अपने दूसरे आई पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स हमारा लाइनर कंप्लीट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, अपना सबसे पहले ग्लिटर अप्लाई करना है, ये वाला ग्लिटर। तो हम इसे देखते हैं, यू नो अगर अप्लाई हो गया तो हम इसे इस ब्रश की हेल्प से ले लेंगे। हाँ हम इसे ले लेंगे और तो लीजिए गाइस हमारा ग्लिटर तो कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। करेंगे अपना आईब्रो फिल, तो अब हम करेंगे गाइस अपना आईब्रो फिल। तो आईब्रो फिल करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे मेरा फेवरेट, ये करेंगे वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल भी है और बहुत ही अच्छा है। तो देखिएगा आईब्रो फिल करने के बाद बहुत ही अलग सा लुक आएगा और पाउडर वाला जो होता है वही ज्यादा सही लगता है मेरे को। और कुछ नहीं गाइस, तो हम इसे अच्छे से पूरे अपने आईब्रो पर अप्लाई कर लेंगे। और ना गाइस ये वाला जो आईब्रो है ना, मैं दोनों को मिक्स करके कलर को अप्लाई करती हूँ, कि दोनों को मिक्स करने के बाद जो कलर आता है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। यू नो अगर हम एक एक करके लगाते हैं एक कलर को तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है लाइट वाला कलर, और डार्क वाला लगाते हैं तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। इसलिए मैं दोनों कलर को मिक्स करके लगाती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा कलर मिक्स होके आए। गाइस अगर आप अपने ब्राइडल किट के लिए कोई आईब्रो किट ढूंढ रहे हैं तो ये डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। अब हम अपना सेम पेंसिल ब्रश ले लेंगे। पेंसिल ब्रश लेके हम क्या करेंगे, ये वाला जो कलर है ना इसे पिक करेंगे, इसे पिक करेंगे जो हम स्टार्टिंग में अपने क्रीज लाइन पर लगाए थे, और अपने लोअर लेस मतलब लोअर लाइन को अच्छे से ये पेंसिल ब्रश से ज्यादा अच्छा होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रशेस यूज कर चुकी हूँ, जितनी बस मेरे पास फ्लफी ब्रशेस हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उससे, मतलब मैसी सा हो जाता है, इसलिए पेंसिल ब्रश से बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप अगर ऐसा DIY करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस किए हैं उन सभी का लिंक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो ऑफलाइन है ना उसे मैं शायद ही दे पाऊंगी आपको। क्लिप हो गए मिस्टेक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज की थी ये वाला ब्लश पैलेट, क्योंकि मैं ब्लश पैलेट लेके नहीं बैठी थी, तो हो गया पिंक कलर का, पता नहीं क्यों मैं भूल गई थी स्टार्ट करना। उसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए यहाँ पर यूज की हूँ ये वाला हाइलाइटर पैलेट, ये है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो पाउडर। तो ये हाइलाइटर है मेगा ग्लो हाइलाइटर पाउडर, तो मैं इसे यूज की थी और सेम ब्रश की हेल्प से जिसको मैंने अपने ब्लश के लिए अपने कॉम्पैक्ट के लिए उसी सेम ब्रश को मैंने अपने हाइलाइट के लिए यूज किया, बहुत मक्खन की तरह ये अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट मैं जो अपना जो ग्लिटर था उसको अप्लाई की थी उसी से, ये है फ्लैट ब्रश को फ्लैट ब्रश को साफ करके इनर कॉर्नर ब्राउ बोन के लिए यूज किया हुआ था। नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे ये रहा हमारा फेक लैशेस। एक बार कैमरा ऑफ करने के बाद ना गाइस ध्यान इधर उधर चला जाता है, इसलिए मैं कैमरा ऑफ नहीं करती, चलते रहता है, तो मैं कैमरा ऑफ कर दी थी क्योंकि मैं इसको कट कर रही थी, मैं मेरा जो लैसेस है इसे, इसलिए मैं कैमरा ऑफ कर दी थी, तो ऑन करना भूल गई थी, और मैं इधर आप लोग को दिखा दिखा के मैं आपको काम कर रही थी। हम अप्लाई करेंगे अपने पूरे मेकअप की जान को, तो बोलो बोलो कौन है वो। तो यहाँ पर मेरा लिपस्टिक का पिटारा हाजिर है, तो हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, तो कौन सा अप्लाई करेंगे, मैं बोली थी ना गाइस कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ। हाँ तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ये है Maybelline New York का लिक्विड मैट लिपस्टिक और रेड कलर है ये, तो हम इसे अप्लाई कर लेंगे।
हमारा ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट। तो हम थोड़ा सा इसको साइड पे रखते हैं। साइड पे रखने के बाद आते हैं अपना हेयर स्टाइल की तरफ। तो हेयर स्टाइल कौन सा पहनूं मैं? ये वाला पहनते हैं। तो ये रहा मेरा फेवरेट और हम थोड़ा सा डालेंगे। ओ माय गॉड, मैं ये समझ के मैं क्या ले आई थी, मैं अपना वॉच लाना भूल गई। देख रहे हैं आप, इतना बड़ा मिस्टेक। ये हमारा कंप्लीट हो गया है लगभग। अब हम अपना इयररिंग डाल लेंगे। इयररिंग के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ मैं, ये डालूं या ये डालूं। ये डाल लेते हैं क्योंकि वो तो मुझे बड़ा बेकार लग रहा है। तो ये है हमारा इयररिंग और इसका भी कलर इसी से मिलता जुलता है। थोड़ा सा फ्रंट पे अप्लाई कर लेंगे और हम क्या करेंगे, हम दूसरा हेयर भी सेम वैसे ही करेंगे। उसके बाद हम इसे भी अप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा मेकअप लुक कंप्लीट ऑलमोस्ट। अगर आपको कुछ लग रहा है, कुछ कमी लग रहा है गाइस, तो प्लीज कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। तो ये है हमारा मेकअप लुक कंप्लीट। ये है मेरा वैलेंटाइंस डे मेकअप लुक। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मैरिड हूं तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं सिंदूर लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा है क्योंकि रेड 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 करने का। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहो तो, अगर आप मैरिड नहीं है तो ऑब्वियसली यार आप थोड़ी ना करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सिंदूर लगा लेती हूँ। तो गाइज मेरा बहुत ज्यादा मन था ये करना, मतलब सिंदूर अप्लाई करना, क्योंकि वैलेंटाइंस डे है और मैं मैरिड हूं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ही इस मेकअप लुक में मैं देखना चाह रही थी कि ऐसे हम करते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अगर आप टीनएजर हो गाइस, तब भी आप इस मेकअप लुक को कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। मैंने ज्यादा कुछ भी मतलब अफोर्डेबल रेंज का है जितना भी कुछ है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज बिग थम्स अप दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और भी ज्यादा इंटरेस्टेड मेरे चैनल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.